नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुख करते हैं झारखंड की एक खबर पर। पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया एवं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से बिष्टुपुर स्थित मोहन आहूजा स्टेडियम में कल से छठा पैरा नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज हुआ। इसमें 22 राज्यों के 475 दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही इसमें वैसे प्रतिभागी भी हिस्सा ले रहे हैं जो अगस्त महीने में होने वाले ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए एन प्रभाकर राव ने बताया कि इसमें टाटा स्टील की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये दिव्यांग खिलाड़ी सामान्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनमें से 6 खिलाड़ियों ने पिछले साल ओलंपिक मेडल हासिल किया था। प्रतियोगिता का समापन 23 मार्च को होगा। इसमें लगभग 150 महिला दिव्यांग खिलाड़ी भी हिस्सा ले रही है। जो यहाँ पे टाटा स्टील और टाटा फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, उनके सौजन्य से ही ये बैडमिंटन पैरा वाला किया जा रहा, नेशनल है छठवां। तो इसमें करीब जो 475 बच्चे दिव्यांग पैरा में भाग लिए हैं और साथ ही इसमें महिलाएं करीब 150 है और व्हील चेयर जो आप सामने देख रहे हैं वो लोग 90 लोग हैं। तो इसमें भाग ले रहे हैं। ये 20 तारीख, आज से 23 तारीख तक चलेगा और ये 23 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। कितने कठिन है इस तरह से आम लोगों को खेलना और इन लोगों को खेलना में कितना का डिफरेंस है, क्या रहता है डिफरेंस खेल में? देखिए कितना कठिन आप सामने देख रहे हैं कि इनका इतना बड़ा चैलेंज है कि हमारे दिव्यांग लोग जो एबल बॉडी है, जो रोलर सब सक्षम है, उनको देख के सीखना चाहिए कि हम लोग जब इन लोग इतने दूर पहुंच सकते हैं, ये 22 राज्यों से आए हैं और इन लोग अगर इतना अच्छा कर सकते हैं तो हम लोग एबल बॉडी वाले किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। आज ये बच्चे हमारे देश के कम 6 मेडल ओलंपिक से लाए हैं पिछले साल टोक्यो 2020 में भी वही था और अगले दिनों फ्रांस में ओलंपिक हो रहा है अगस्त में, जिसमें 12 बच्चे भाग लेके लेने जाएंगे हमारे देश से और ये नेशनल के लिए सेलेक्ट किया गया सभी 22 राज्यों से जितने जो सेलेक्ट हुए हैं वो लोग। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवीएन 24।